देश के नागरिक, आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इस गाड़ी में कोई भी ड्राइवर कोई भी गलत काम कर रहा है या तेज, सुरक्षा महीना जो है उसका आगाज कर रहे हैं हम लोग, और इसमें हमारा जो मेन मकसद है वो आप लोगों को सड़क सेफ्टी के बारे में बताना है। बच्चों को हमने ये बताना है कि सड़क सेफ्टी कैसे करनी है, आपने लोगों खासतौर पे हर चीज अपने घर से शुरू करनी है। बच्चों का ये काम है कि अपने घर वालों को समझाएं कि जब भी वो मोटरसाइकिल लेकर जाएंगे तो हेलमेट पहन के जाएंगे, जब भी वो गाड़ी चलाएंगे वो सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे, जब भी आप लोग किसी गाड़ी में बैठेंगे तो आप ये देखेंगे कि गाड़ी में ओवरलोडिंग ना हो, अगर होगी तो आप लोग उसी समय जो हमारे नंबर है उस पर हमें इतला करेंगे। जब दोनों साइड से रोड खाली हो तभी हमने रोड क्रॉस करनी है, जब भी आपने रोड पे पैदल चलना है तो हमेशा ट्रैफिक की फ्लो के साइड आपका मुंह होना चाहिए, जो आने वाली गाड़ी है वो आपको दिखनी चाहिए। पैदल चलने वाले हमेशा लेफ्ट साइड चलेंगे, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की भी है और पैसेंजर की भी है, क्योंकि ड्राइवर तेज चलता है तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको बोले कि गाड़ी धीरे चलाए, अगर नहीं चलाता है तो आपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि ये बंदा गाड़ी तेज चला रहा है। दूसरा, अगर कोई ओवरलोड करता है तो उसके बारे में भी उनको बोलना है कि ओवरलोड नहीं करना है, देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई तेज तो नहीं आ रही है, इन चीजों का खास ख्याल रखना है। और बच्चों को आज हमने इसलिए यहाँ बुलाया है कि आज ये बच्चे अवेयर करेंगे, हम गाड़ियाँ रोकेंगे और पैसेंजर सभी ध्यान से सुनेंगे। आज हम आप सबको ट्रैफिक से अवेयर कराने हैं, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनसे अवेयर कराने हैं। आज 35th जो ट्रैफिक रूल वीक की रूल की आपकी लाइफ में, इसी से आपका जीवन बचता भी है, क्योंकि अगर सही तरीके से ट्रैफिक रूल का पालन नहीं होगा तो हो सकता है आपके साथ दुर्घटना हो जाए, बहुत सी चीजें ऐसी होती है लाइफ में। देश के नागरिकों, आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इस गाड़ी में कोई भी ड्राइवर कोई भी गलत काम कर रहा है या तेज गाड़ी चला रहा है, आपको उसी वक्त पुलिस को इतला करनी है और उस समझाना है कि ड्राइविंग करते हुए फोन यूज नहीं करना है। आपको पता है आजकल कितने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं फोन की वजह से, एक टाइम पे इंसान एक ही काम करता है, फोन चला सकता है, ड्राइविंग कर सकता है। हाँ, इसीलिए एक ही टाइम पे इन्हें ड्राइविंग करनी, ड्राइविंग पे फोकस करना है। तो आपको ड्राइवर सबको बोलना है, अगर वो ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहा है उसको वो समझाना है कि दारू पी के ना चलाए गाड़ी, ठीक है, या आपकी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। आप जितनी सवारियां जितनी सीटें गाड़ी में उतनी निकाली है उतनी ही सवारियां बैठे। नमस्कार, जैसा कि आज हम सभी बच्चे ग्रीन मॉडल के और बाकी जीडीसी डोडा के एनसीसी के जितने बच्चे यहाँ कैडेट्स इकट्ठा हुए हैं, आज हम 35th जो ट्रैफिक मंथ बना रहे हैं उसके रिलेटेड हम इकट्ठे हो अवेयर कर रहे हैं बाकी ड्राइवर्स को पैसेंजर्स को कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने हैं उन्हीं की सेफ्टी के लिए, जो उनको उनकी जीवन जो है उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। जैसा कि सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी चाहिए जिससे कि उन्हीं की जानों को खतरा हो सकता है। सारे आपके पास जितने भी लाइसेंस है आरसी है कागज है सारे आपके अपडेट होने चाहिए, आपको सारे ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना है, ओवरलोडिंग नहीं करनी है। इन छोटी छोटी चीज़ों से जब पैसेंजर या ड्राइवर अवेयर हो जाते हैं और उनके अवेयर होने से पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के अवेयर होने से इन छोटी छोटी से बहुत बड़ी तब्दीली आती है।